इससे पहले शिव भैया ने भी अपनी पूरी दुनिया गिफ्ट ट्रैप करके शक्ति को भेजी थी। मतलब? मतलब गिफ्ट्स का एक्सचेंज, दोनों की दुनियाओं का एक्सचेंज, दोनों की फैमिलीज का एक्सचेंज। नंदू बेटा, साफ साफ बताओ, ऐसे पहेलियां मत पूछाओ, ठीक है? क्या भेजा शिव ने? शिव भैया ने एक बहुत सुंदर डॉल हाउस शक्ति को भेजा। जरा जल्दी हाथ चलाइए ना, क्या धीरे धीरे कर रहे हैं, लगाइए उस पे पत्ते। और आप, ये अभी तक फूल नहीं लगे हैं, इतनी रात हो गई, कब काम होगा ये? हो जाएगा भगू माँ, मैं कोई हेल्प कर दूं। तू अभी तक सोया नहीं, कल तेरी शादी है बेटा। अरे पता है भगू माँ, नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। नींद नहीं आ रही, इतनी बेचैनी, इतना उतावलापन, पहले तो बड़े नखरे कर रहा था। अरे भगू माँ, ऐसे कुछ नहीं है, मैं सच में नींद नहीं आ रही थी। नंदू, ये क्या है? ये शक्ति ने शिव भैया के लिए गिफ्ट भेजा है। अरे गिफ्ट क्या, वो तो कह रही थी कि इसमें उनकी पूरी दुनिया है। नंदू एक मिनट, मम्मी जी आप ये क्या कर रहे हो, ये तो भैया का गिफ्ट है, आप क्यों खोल रहे हो? नंद बेटा मुझे पता है ये शिव भैया का गिफ्ट है, उसे ही मिलने वाला है। क्या है ना बेटा कि शादी है, अगर इसमें ऐसा कुछ भी निकला जिससे शिव ट्रिगर हो जाए और उसे अटैक आ जाए, तो हम तो वो रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ। है ना, तो हमें डबल चेक करना होगा। हाँ। है ना बेटा। हाँ। ठीक है। हाँ। कल शादी है, रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ जानने के बाद ही तो दोनों इस रिश्ते के लिए आके हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है जिसे छुपाने की जरूरत है, सब कुछ तो सामने आ गया है। और शक्ति ने ही अपनी सिर्फ ये पूरी दुनिया शिव भैया को गिफ्ट रैप करके नहीं दी है, इससे पहले शिव भैया ने भी अपनी पूरी दुनिया गिफ्ट रैप करके शक्ति को भेजी थी। मतलब? मतलब गिफ्ट्स का एक्सचेंज, दोनों की दुनियाओं का एक्सचेंज, दोनों की फैमिलीज का एक्सचेंज। नंदू बेटा, साफ साफ बताओ, ऐसे पहेलियां मत पूछाओ, ठीक है? क्या भेजा शिव ने? शिव भैया ने एक बहुत सुंदर डॉल हाउस शक्ति को भेजा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।